press the bell icon, never miss an update from Student Khabri. हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट खबरी, जहां आपको आपके प्रेफर्ड कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज मैं आप लोगों से हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, इसके बारे में बताने वाली हूं। तो इस कॉलेज के बारे में जानने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको नहीं पता कि हम कितनी आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें रोज लेकर आते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम रोज़ जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सबके डिटेल्स आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बात करते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। तो ये हल्दिया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये 174th रैंक में है। ये ऑल इंडिया में 200 कॉलेजेस में 174th रैंक में है ये कॉलेज। ये इस्टेब्लिश हुआ है 1996 में, मतलब काफ़ी पुराना कॉलेज है ये। अप्रूव्ड है AICTE न्यू दिल्ली से। साथ ही साथ ये एफिलिएटेड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। कोर्सेज में बात करें तो BTech, MTech, MBA, MCA ये सारे कोर्सेज ये कराते हैं। BTech में ये 4 साल का कोर्स होता है, जो कि पता ही है, और MBA, MCA और MTech का 2 साल का कोर्स ये कॉलेज कराता है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की। तो फिर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है वेस्ट बंगाल, जिसका नाम होता है WBJEE, यानी कि वेस्ट बंगाल JEE। तो ये कॉलेज इस एंट्रेंस में अपीयर होके भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो ऑल इंडिया JEE का स्कोर कार्ड आपका अगर होगा, आपने ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपने किया है, मतलब आप कहीं पे भी हो, मतलब वेस्ट बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, आप कोई भी कॉलेज के हैं, तो आप JEE के स्कोर कार्ड के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो आप वेस्ट बंगाल JEE के स्कोर कार्ड से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स में आए तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 4 लाख, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका प्लेसमेंट। अगर हम बात करें टॉप कंपनीज की जो इस कॉलेज में आती हैं, तो विप्रो आई है, HSBC आई है, वोल्टास जैसी कंपनी आई है इस कॉलेज में। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 7.6 रेट दिया जा सकता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स, जिम, मेडिकल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, फिर पूरे लैब्स, लेबोरेटरीज, क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स, और बहुत मतलब अच्छी सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ ये कॉलेज प्रोवाइड कराता है। अब मैं बात करने वाली हूँ रेटिंग्स की। तो ये जो रेटिंग्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये सारी की सारी रेटिंग्स हमसे इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने शेयर करी है, या फिर उन लोगों ने शेयर करी है जो इस कॉलेज को जानते हैं। तो रेटिंग्स में आते हैं तो एकेडमिक को इस कॉलेज को दिया गया है 8.4, एकोमोडेशन को 8, फैकल्टी को 7.9, इंफ्रास्ट्रक्चर को 8.9, प्लेसमेंट्स को 8.5, सोशल लाइफ को 8.5। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसको 8.4 आउट ऑफ 10 रेट किया जा सकता है, और मैंने अभी जितनी भी रेटिंग बताई वो सब आउट ऑफ 10 है। तो ये सारी बात हुई हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि हल्दिया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इस कॉलेज के बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है, आप और कुछ बताना चाहते हैं हमसे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स अब इस एडमिशन इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उन तक इन्फॉर्मेशन जाए, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप 3 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म और एक नंबर आउट किया है, आप उसमें आके भी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे, वो एकदम सीक्रेट होगी। इसके अलावा आपको और कोई कॉलेज के बारे में वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं हम आपसे और भी कोई कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ये बात हुई हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। थैंक यू।